आप देख रहे हैं फेर न्यूज, सच्चाई की आवाज। कर्नाटक में कांग्रेस जब से जीत गई है, हजार मुश्किल आने पर भी वो लोग अपने किए हुए वादे बिजली की रफ्तार से पूरे कर रहे हैं, और जो वादे उन लोगों ने नहीं किए वो भी पूरे नहीं कर रहे हैं। जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और ऐसे कई मामले वो लोग आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। और अगर उसी जगह पर आप बीजेपी का हाल देखेंगे, उतना ही उल्टा है। बीजेपी ने अपने किए हुए वादे कभी पूरे नहीं किए, और उल्टा अच्छे दिन के नाम पर जो जनता के पास था वो भी उल्टा ले लिया। और बीजेपी ने सिर्फ जनता के साथ ही घोटाले नहीं किए, बल्कि देश के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर भी कई घोटाले कर चुके हैं। इसकी लंबी लिस्ट है। हाल ही में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कम्युनल वायलेंस में मरे हुए 6 लोगों के परिवार को बुलाकर 25-25 लाख का चेक दिया, और साथ ही में हर परिवार से एक एक इंसान को नौकरी देने का भी वादा किया। मरे हुए लोगों के नाम थे दीपक राव, मसूद, मोहम्मद फाजिल, अब्दुल जलील, इद्रिस पाशा और शामिर। हालांकि बीजेपी ने 2 लोगों को सिर्फ मुआवजा दिया, उनके नाम है प्रवीण और हर्ष। ये दोनों भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, सिर्फ उन्हें ही मुआवजा दिया। इसमें कोई शक नहीं, कांग्रेस बिना भेदभाव देखे मिडिल क्लास और गरीबों के तरफ दिल लगाकर काम कर रही है, और डेवलपमेंट के तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रही है। वैसे एक बीजेपी का जुमला था जो कि उन्होंने इस पर कभी अमल नहीं किया, सबका साथ सबका विकास। ये काम, वैसे जुमला तो बीजेपी ने दिया था, लेकिन उस पर अमल कांग्रेस कर रही है, ऐसे लग रहा है। दोस्तों, गोदी मीडिया के ज़माने में निष्पक्ष पत्रकारिता किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हिम्मत अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।